चीन में कोरोना के बढ़ते मामले फिर डराने लगे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बताया कि कोरोना का खतरनाक चीनी वेरिएंट सितंबर में ही भारत आ गया था। वडोदरा में एक NRI महिला में इसके लक्षण मिले थे। वो अमेरिका से वडोदरा आई थी। उसके कॉन्टैक्ट में आए दो अन्य लोगों की भी जाँच हुई थी, हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके अलावा दो अन्य केसेस अहमदाबाद और उड़ीसा में भी मिले थे। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। कप्तान KL राहुल नेट प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए। वे ढाका टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो चेतेश्वर पुजारा कप्तानी कर सकते हैं। अभिमन्यु ईश्वरन को शुभमन गिल के साथ ओपनिंग का मौका मिल सकता है। मणिपुर के नोनी जिले में बुधवार को टूर पर जा रही एक स्कूल बस पलट गई। इस हादसे में 8 से ज्यादा छात्रों की मौत हो गई, साथ ही कई छात्र गंभीर रूप से घायल हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बस खोपों की ओर टूर पर जा रही थी। 40 छात्रों को इम्फाल के मेडिसिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। मुख्यमंत्री N. बीरेन सिंह ने मृतक छात्रों के परिवारों को 5-5 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह नशे को लेकर भाषण दे रहे थे। इस दौरान बार बार टोकने पर TMC सांसद सौगत रॉय पर बिफर पड़े और अपनी चेयर में बैठ गए। शाह ने विपक्षी सांसद से कहा कि अगर आपको बोलना है तो मैं बैठ जाता हूं। इतने सीनियर सांसद होने के नाते बीच में टोकना शोभा नहीं देता। ऐसा करना आपकी उम्र और सीनियरिटी के लिए अच्छा नहीं है। दादा आपको भाषण करना तो मैं बैठ जाता हूँ, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियरिटी के लिए अच्छा है। एयरपोर्ट पर पैसेंजर अब जल्द ही अपने बैग से लैपटॉप, मोबाइल और चार्जर निकाले बिना एंट्री कर सकेंगे। लंबी कतारों को खत्म करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आने वाले दिनों में एयरपोर्ट पर नए मॉडर्न स्कैनर लगाए जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बैग से निकाले बिना ही स्क्रीनिंग की जाएगी।